92.7 बिग एफएम पर बिग फिल्मी वीकेंड फिल्म एक्सपर्ट भावना सुमाया के साथ। नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और मैं लेकर आई हूं मेरा सैराडॉन फिल्म रिव्यू। साजिद नडियादवाला प्रोड्यूस्ड और साबिर खान डायरेक्टेड बागी साल 2004 की संजीव दत्ता लिखी तेलुगु फिल्म वर्षम पर आधारित है। सिया यानी श्रद्धा कपूर को बारिश से मोहब्बत है और रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ बादलों से बात करता है। ट्रेन के सफर में मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ कुछ साउथ इंडिया के खूबसूरत नज़ारों में, कुछ प्यार के इजहार में, कुछ गुरुजी से आसन विद्या सीखने में और कुछ नए दोस्त दुश्मन बनाने में निकल जाते हैं। प्रॉब्लम फिल्म का सेकेंड हाफ है, जब कहानी इंडिया से बैंकॉक शिफ्ट होती है और फिल्म पूरी तरह से एक्शन सेंट्रिक बन जाती है। फिल्म का प्लस, फिल्म का एक्शन, लोकेशंस और सपोर्टिंग कास्ट, गुरुजी, सुनील ग्रोवर, संजय मिश्रा और फिल्म का विलन सुधीर बाबू। फिल्म का माइनस, फिल्म का ओवरस्ट्रेच्ड क्लाइमैक्स और कभी न खत्म होने वाला एक्शन। इसके अलावा फिल्म की डिटेलिंग, बात हैदराबाद की करते हैं, लोकेशंस केरल के दिखाते हैं। हीरो बागी है मगर क्यों है इसकी वजह नहीं समझाते। जिस मकसद के लिए हीरो बैंकॉक आता है, इंडिया लौटकर उस मकसद का जिक्र भी नहीं होता। स्क्रीन प्ले के ये सारे गड़बड़ घोटाले के बावजूद साबिर खान की बागी देखनी चाहिए फिल्म के उम्दा मार्शल आर्ट्स के लिए, एक नए रूप में श्रद्धा कपूर के लिए और सबसे आगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइगर श्रॉफ के लिए। बागी को बिग एंटरटेनमेंट रेटिंग्स मिलते हैं 3 स्टार्स, यानी कि 2 सैराडॉन। 92.7 बिग एफएम पर बिग फिल्मी वीकेंड फिल्म एक्सपर्ट भावना सुमाया के साथ।